अब ऐसा कुछ होने के बाद सांचे में डालने के बाद हम इसे धूप में सुखाएंगे। इसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं धूप में सूखने में, अगर ये पतला हो तो। अगर आप ज्यादा मोटा बना रहे हैं तो इसको 5 दिन तो लग ही जाएंगे। और फिर ये सूख के कुछ ऐसा हो जाता है। सूखने के बाद ये एकदम टाइट हो जाता है। इसको आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं टूटेगा। और ये मतलब अगर आप प्लेन सरफेस पे करें तो ये प्लेन होगा, टाइट सरफेस पे करें तो ये टाइट होगा। जैसा करेंगे आप वैसा हो जाएगा। डिजाइनदार बनाना है तो डिजाइनदार भी बनाना है। मैंने कुछ और सांचों में भी डाला था, जैसे ये हार्ट शेप का सांचा, ये सर्कल का ही सांचा है, ये भी सर्कल का है, और ये स्क्वायर सांचा है। अब हम इसको टाइट करने के लिए 50% पानी, 50% ग्लू से एक मिक्सचर बना के उसमें प्लेन पेपर डाल के उससे इसके सरफेस को कवर करेंगे, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं। मैं ये प्लेन पेपर भी फाड़ रही हूँ। प्लेन पेपर को फाड़ने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि बड़े बड़े टुकड़े फाड़े जाएं ताकि ये अच्छा बने। इसको ये कुछ इसमें डालने के बाद ये कुछ टेप के तरह हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सूख के एकदम टाइट हो जाएगा। इसको हम जब लगा देंगे तो ये चिपक कर सूख कर कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, प्लेन सरफेस पे प्लेन हो जाएगा एकदम प्लेन। और ये एकदम वाइट हो जाएगा क्योंकि आप प्लेन पेपर यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो लिखा हुआ पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस पर ड्रॉइंग करनी है तो आप प्लेन ही पेपर यूज करिए। मैंने एक हार्ट शेप वाले सांचे पे जो बनाया था उस पे भी प्लेन पेपर लगाया और ये कुछ ऐसा दिखता है। हम इस पे ड्राइंग करेंगे। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत काम करता है। हम उसके लिए एक ब्लैक पेन लेंगे, ब्लैक पेन से इस पे कुछ डिजाइन बनाएंगे। बनकर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको बनाने के लिए मैंने स्केच पेन का यूज किया है क्योंकि पेंटिंग इतनी छोटी छोटी जगह पे करना काफी मुश्किल काम है। फिर इसको एक धागे, एक सुई के जरिए यहाँ छेद करके, यहाँ छेद करके एक धागा जोड़ दिया है। छन्नी से जिंजर गार्लिक रखने के लिए कटोरी बनाई है। इससे हमने इसको सांचे में कन्वर्ट करके हमने ये टोकरी बनाई।
और ये सबसे बड़ी वाली को हमने कढ़ाई के पीछे वाले हिस्से में लगाया।